अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के हम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझसे कॉमेंट करके सवाल पूछा था। बहुत से लोगों का सवाल है जो आपने पूछा है, और कुछ खबरें हैं कतर से जो आ रही है, मैं आपको मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है आपने जो सवाल किया उसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक भाई का सवाल है जिनका नाम है हैदर अली। उन्होंने तीन बार कॉमेंट करके मुझे पूछा है। पहला सवाल है, कंपनी का नाम है ब्रो हमें होम कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये बात नहीं समझ में आई मुझे। सर दो आदमी में एक से आदमी का भेजा है, एक आदमी का नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दो पासपोर्ट लगा था कतर के लिए, उसमें एक वीज़ा आया है हैदर अली का नाम से और एक अभी नहीं आया है। तो भाई हो सकता है आपको उनको वीज़ा, आपका वीज़ा इसलिए आ गया हैदर अली के नाम पे, उनको कोई दिक्कत नहीं था। जो दूसरे का जो नहीं आया, हो सकता है उसका जो मेडिकल हुआ होगा उसमें कोई प्रॉब्लम हो, या फिर कोई और प्रॉब्लम की वजह से पासपोर्ट पे कोई दिक्कत हो, या कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बहुत सारे वजह होता है जिसकी वजह से अभी नहीं आया है। पर ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, कुछ दिन आप इंतज़ार कीजिए, और जिसके थ्रू आपने अप्लाई किया है, चाहे वो एजेंट हो या वो भी हो, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और बात कीजिए, पूछिए कि क्यों नहीं आ रहा, उससे रीज़न मांगिए। रीज़न जरूरी है आपको मांगना है, रीज़न मांगिए क्यों नहीं आ रहा, वही आपको सही डिटेल बता पाएगा। क्योंकि दोस्तों ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि आपका क्यों नहीं आ रहा है, बस ये जो ओरिजिनल बात है वही आपको बता पाएगा जो इस एजेंट के थ्रू आपने अप्लाई किया है। अगले सवाल की ओर चलते हैं साथियों। अगली सवाल पूछा है दीप चंद यादव भाई ने पूछा है, उनका कहना है कतर में कितना दिन क्वारंटाइन करते हैं? तो भाई बताना चाहूंगा आपको, क्वारंटीन का वहां पे अलग अलग रूल आ चुका है। जैसे ही दोस्तों ये महीना आया है अक्टूबर का महीना, तो सब ट्रैवल पॉलिसी चेंज कर दिया गया है। वहां पे दो दिन का मैकेनिस्ट क्वारंटीन का अलग रूल है, सात दिन का मैकेनिस्ट क्वारंटीन का अलग रूल है, दो दिन होटल क्वारंटीन का अलग रूल है, और सात दिन का होटल क्वारंटीन का अलग रूल है। तो दोस्तों मैं आप मतलब आप किस टाइप पे जाना चाहते हो, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो ये अभी चार तरह का रूल चल रहा है, दो दिन मैकेनिस्ट, दो दिन होटल, और सात दिन क्वारंटीन होटल क्वारंटीन, और सात दिन मैकेनिस्ट क्वारंटीन। तो ये अभी रूल चल रहा है, इतना ही दिन आपको रहना पड़ेगा, इससे ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है। पहले तो 14 दिन का 10 दिन का था, उसे अब हटा दिया गया है। अगले एक भाई पूछते हैं पप्पू कुमार मंडल, उनका सवाल है मैं जॉनसन वैक्सीन लिया हूं, मुझे कितने दिन का क्वारंटीन होना होगा? तो भाई आपने जॉनसन क्वारंटीन जॉनसन जो वैक्सीन आपने लिया, ये अप्रूव्ड वैक्सीन है MOPH की तरफ से, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दो दिन होटल क्वारंटीन ही आपको कतर में रहना पड़ेगा। पर PCR सर्टिफिकेट आपको 72 घंटे के अंदर का चाहिए होगा, PCR सर्टिफिकेट लेके आप जा सकते हो, सिर्फ दो दिन का होटल क्वारंटीन आपको रहना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आपको रहने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक भाई का सवाल है जिनका नाम है पख्तून भाई, सेकेंड डोज के बाद 14 दिन से कम स्टे करने पर यहाँ 11 दिन के बाद जाएं तो होटल क्वारंटीन 2 डेज की होगा या 7 दिनों का? भाई मैं आपको कहना चाहूँगा, आपने यदि दोनों वैक्सीन ले चुका है तो आपको यदि 11 दिन हो गया है तो आप 14 दिन कंप्लीट करके ही जाइए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। पर यदि आप वहाँ पे जाते हो तो 2 दिन का ही क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, 7 दिन की आपको क्वारंटाइन नहीं रहना पड़ेगा, ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। पर कोशिश कीजिए कि 14 दिन कंप्लीट कर लीजिए। पर यदि आपका टिकट कट चुका है, यदि आपको इमरजेंसी में जाना है तो आप जा सकते हो, बस 2 ही दिन का ही क्वारंटाइन आपको होगा, 7 दिन का क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, सिर्फ 2 दिन का क्वारंटाइन होगा, तो इसके लिए निश्चिंत रहिए आप। अगली खबर की साथियों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक भाई का सवाल है AS कलेक्शन कुर्ती कलेक्शन, उनका सवाल है HMC क्या है? तो भाई HMC का मतलब होता है हमद मेडिकल कॉरपोरेशन, एक वहाँ का संस्था है जो मेडिकल लाइन का होता है, उसी का मतलब है हमद मेडिकल कॉरपोरेशन। एक भाई का सवाल है शैलेंद्र कुमार, जिनका उनका पूछना है भाई कतर में दोनों डोज ले लिया है, सर्टिफिकेट कौन से लिंक से डाउनलोड होगा? तो भाई आपको डाउनलोड करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, MOPH का MI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आपके पास जो मैसेज आता होगा, कोई लिंक आता होगा, उस लिंक के जरिए भी क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सा वेबसाइट है, बहुत सा तरीका, वहाँ से एप्लीकेशन भी है, उसके थ्रू भी आप डाउनलोड सर्टिफिकेट को कर सकते हो। और यदि एतराज एप्लीकेशन में यदि आपको वहाँ पर जो गोल्डन फ्रेम लगता है वैसा यदि फ्रेम चाहिए एतराज एप्लीकेशन पे, तो उसके लिए आपको दोस्तों मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप नीचे मेरे वीडियो को नीचे जाकर देखिएगा कैसे एतराज एप्लीकेशन में गोल्डन फ्रेम लगाना, उसके बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको बता दिया, उससे आप सीख सकते हो कैसे वो एतराज एप्लीकेशन में गोल्डन फ्रेम लगेगा यदि आप वैक्सीनेटेड हो चुके हैं तो। अगला सवाल है भाई का है जिनका नाम है अब्दुल्ला हुसैन, भाई ने पूछा है भाई पाकिस्तान के वर्क वीज़ा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो भाई बताना चाहूँगा आपको कि वर्क वीज़ा जो अभी है किसी देश का सभी कंपनी नहीं दे रही है, कुछ लोगों को ही दिया जा रहा है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक देश को दिया जाएगा तो सभी को दिया जाएगा, क्योंकि हर देश के लोग वहाँ पे काम करते हैं और रहते हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं।
तो दोस्तों इन कुछ भाइयों का सवाल था जो मैंने उठाया था दोस्तों, जो सब पैरा डिटेल मैंने आपको बताया, तो हो सकता है आप लोगों का कुछ सवाल होगा इसमें आपका कवर हो गया होगा। तो यदि कोई भी आपका सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट को उठा के वीडियो बनाने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथ ही नेक्स्ट वीडियो पर, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।